ए गाली ना खाए दारू चाले नहीं जवान कहूँ पेटी में मिले आ दारू को पटेल दिलीप भाई पटेल दिलीप भाई पटेल है Life TV, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। जनता अपने सुनहरे भविष्य के लिए उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर रही है। दूसरी तरफ इन्हीं जनता को बरगलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने हरकत पर उतर आई है। जो करतूत सामने आया है उसका वीडियो वायरल हो चुका है। बीजेपी वाले जनता को गुमराह करने के लिए उन्हें अपने पक्ष में वोट दिलवाने के लिए दारू बांटने लगी है। भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रमुख दारू की गाड़ी के साथ पकड़ाया है। उसकी गाड़ी में दारू की बोतलें भरी पड़ी थी और यह जैसे ही वीडियो सामने आया है वैसे ही गुजरात में दारूबंदी को लेकर भी सवाल तो खड़े हुए ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस हद तक जा रही है चुनाव में अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए, वो भी साफ दिखाई पड़ने लगा है। सबसे पहले तो आप यह वीडियो देखिए कि गुजरात में क्या हो रहा है, बीजेपी वाले किस स्तर की सियासत कर रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए कैसे दारू बांटने पर उतर आए हैं। देखिए यह वीडियो क्या हुआ। अरे गाली ना खाए जिला प्रमुख, अरे राजू सर जिला प्रमुख तो देखा आपने, लोगों ने वहां पर प्रदर्शन शुरू किया। जैसे ही हंगामा हुआ पुलिस की गाड़ी भी वहां पहुंचती है, लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और हंगामा शुरू हो जाता है। उसके बाद यह बड़ा सवाल उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए दारू के सहारे जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहां पर अन्य पार्टियां इनकी पोल पट्टी खोलने के लिए पहले से ही डटी हुई है। दो आरोप तो भारतीय जनता पार्टी पर बेहद गंभीर लगता है। एक तो ईवीएम को लेकर सवाल खड़े होते हैं, दूसरी बात यह है कि चुनाव जीतने के लिए बहुत ही निम्न स्तर के ये लोग हरकतें करते हैं, जिसमें दारू की बोतलें बांटने का भी मामला सामने आया है। भाजपा का जिला प्रमुख ऐसी हरकतें करते पकड़ाया है। वीडियो के इस हिस्से में देखिए, पुलिस भी आई और वहां पर हंगामा भी हुआ है। तो देखा आपने कैसे भारतीय जनता पार्टी वाले दारू पार्टी के सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं। गुजरात की जनता वोट कर रही है, लेकिन उससे पहले वोट किनके पक्ष में करें तो दारू पहुंचा रहे हैं, लेकिन पहले ही लोग इनको पकड़कर इनकी असलियत इनका चेहरा दुनिया के सामने ला रहे हैं। गुजरात की जनता देख पा रही है कि भारतीय जनता पार्टी हार की बौखलाहट में क्या सब कर रही है। एक तो ऐसे ही इनके दिग्गज नेताओं को कोई पूछ नहीं रहा है, सभाओं में कुर्सियां खाली रहती हैं, खदेड़े जा रहे हैं या तो खुद कुर्सी छोड़कर भाग जाते हैं, रैली को बीच में छोड़कर भाग जाते हैं, जैसा कि खबर अमित शाह की भी आई थी। लेकिन ये जो मामला है गंभीर है, इस मामले में कार्रवाई की भी जरूरत है। इस वीडियो को शेयर करते हुए प्रत्येक इनामदार ने ही जानकारी दी है कि भाजपा प्रमुख दारू की गाड़ी के साथ पकड़ा गया, और यह खबर आपने जीएसटीवी की रिपोर्ट के हिसाब से देखा है, वहां का लोकल चैनल है और इस मामले पर बारीकी से रिपोर्ट भी कर रहा है। दारू के साथ पकड़ा जाना, यह मामला जब तूल पकड़ा है तो कई और भी चैनल ने इस खबर को उठाया है। उसमें क्या जानकारी दी गई है उसके लिए आप कुछ स्क्रीनशॉट और ट्वीट अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जिसमें ये शायद एबीपी न्यूज का ही लग रहा है, और इस पर भी जानकारी दी गई है कि भाजपा जिला संगठन प्रमुख
दारू के साथ पकड़ा गया है। बड़ा सवाल यहाँ यह उठाया जा रहा है कि जो आम लोग यहाँ पर दारू लेकर जाते हैं या गाड़ी में, तो उसकी चेकिंग होती है, लेकिन ये लोग अपने लोकेशन तक सुरक्षित पहुंच कैसे जाते हैं दारू भरी गाड़ी लेकर? क्या इनकी चेकिंग नहीं होनी चाहिए? ऐसे सवाल वहां पर लोग भी पूछ रहे हैं। और एक ट्वीट इस सिलसिले में अपने स्क्रीन पर देखिए, युवराज सिंह जडेजा ने लिखा है। यह ट्वीट तो गुजराती में है, इसका जो मोटा मोटी मतलब है उसमें भी वही सवाल है, क्या इस कार को किसी भी पोस्ट पर चेक नहीं किया गया? क्या यह गुजरात का मॉडल है? एक्चुअल मॉडल गुजरात का यही है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने लिखा कि जब एक आम नागरिक अपने जिला में जाना चाहता है या जिला से बाहर जाता है तो कम से कम 3 जगह पर चेक होता है, तो फिर ये किनके कृपा से, किनके आशीर्वाद से अपनी गाड़ी सुरक्षित लेकर यहाँ पहुंच जाते हैं? तो ये सवाल पूछा जा रहा है। इसी को लेकर कई स्क्रीनशॉट अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसी से जुड़ा हुआ है, सब में गुजराती में ही लिखा गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो दारू की बोतलें हैं कार्टन भरे पड़े थे, सबको गाड़ी से निकाल निकाल कर फेंका गया है, रोड पे दिखाया जा रहा है कि कैसे यहाँ पर लोग दारू लेकर पहुंच जा रहे हैं। फिर आप एक और क्लिप इसमें देख सकते हैं कि कैसे वहां पर हंगामा हो गया जब यह पता चला कि गुजरात भाजपा प्रमुख की गाड़ी में दारू पकड़ी गई है, शराब लेकर ये लोग वोटरों को बरगलाने के लिए जा रहे थे, और ऐसे में इनका यह कारनामा पकड़ा गया, लोगों ने पकड़ लिया। अब यह वीडियो देखिए कैसे वहां पर हंगामा हो गया। वहीं जीएसटीवी ने एक और वीडियो शेयर किया, इस वीडियो में भी देखा जा रहा है कि खुलेआम दारू बांटा जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए जीएसटीवी ने क्या लिखा है पहले वो देखिए, फिर वो वीडियो भी देखिए कि कैसे खुलेआम बीजेपी वाले दारू बांट रहे हैं ताकि वोटर्स उनके पक्ष में वोट कर सकें। ट्वीट में लिखा गया, गुजराती में ही है, जिसका अगर हम लोग ट्रांसलेट करें तो यह पता चलता है, अरे भाई गांधी का गुजरात तो ऐसा नहीं दिखता है, यहां पर खुलेआम जो है दारू बांटा जा रहा है, बेचा जा रहा है, बीजेपी इसमें शामिल है, वोटर्स को दारू बांटा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि अ वीडियो ऑफ लिक्विड बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड ओपनली इन तलपरा वास ऑफ तारापुर हैज गोन वायरल, मतलब तारापुर में खुलेआम दारू बांटी जा रही है और यह वीडियो वायरल हो गया है। इस वीडियो में आप भी देखिए कि कैसे खुलेआम दारू लोगों को, वोटर्स को देकर बरगलाने की कोशिश जारी है। तुम्हारा नाम सर? नाजिम या सिकंदर मलिक। मलिक बराबर। आ रिक्शा तुम्हारी से? मारी से वन में दारू चाले नहीं। मने चवान कहलू से जाओ छेतनी ना पे पेटी में भी ले ली से। आ दारू कोनो मुके तुम्हारा में? पटेल ने लो है। आ नाम बोला हमने? दिलीप भाई पटेल। दिलीप भाई पटेल है? हां। आ दारू तुम्हारा मुके से? हां छेतनी रुपए से। बराबर बराबर। मारे तो चवान खाली मत। ये कौन से दिलीप भाई पटेल? ये दिलीप भाई आप हमसे डॉक्टर की वाला बोला। आपसे डॉक्टर की वाला बोला। तो देख लिया आपने गुजरात में सिलसिला किस कदर चल पड़ा है कि दारू बांटकर वोट हासिल करने का, और ये करने वाले बार बार जो पकड़े जा रहे हैं, फंस रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। जी हाँ, वही भारतीय जनता पार्टी वाले जो 27 सालों से सत्ता में बने हुए हैं। क्या चुनाव जीतने के लिए इन्हीं हथकंडों का हमेशा प्रयोग किया जाता था, या इस बार सोशल मीडिया पर ये लोग सिर्फ एक्सपोज हो रहे हैं, या पहली बार हरकत कर रहे हैं क्योंकि हार नजदीक देख रहे हैं? ये तो बीजेपी वाले तय करें, क्योंकि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तो यहां पर फेल होता दिखाई पड़ा है। इस बार चुनाव प्रचार में बीजेपी ने ताकत तो लगाई, तमाम दिग्गजों की फौज तो उतारी, लेकिन जनता उन्हें नकारती हुई दिखाई पड़ रही थी। वहीं कांग्रेस के प्रति और आम आदमी पार्टी के प्रति जनता का भरोसा ज्यादा दिखाई पड़ रहा था। ऐसे में बीजेपी वाले टेंशन में आए और इन्होंने अपने पुराने हथकंडे अपनाने शुरू किए। पहले तो बीजेपी वालों ने गुजरात में चुनाव प्रचार में भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान का मुद्दा डाल दिया, आतंकवाद का मुद्दा उसमें प्लांट किया, लेकिन उससे भी काम नहीं बना तो ये लोग अब अपने उस हरकत पर उतर आए जहां वोट हासिल करने के लिए जो शराबबंदी है गुजरात में, जो भाजपा वालों ने ही कराई, उसी राज्य में यही लोग शराब भरकर अपनी गाड़ियों में ले जाकर लोगों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लोग पकड़े जा रहे हैं, इनकी पोल पट्टी खुल रही है, तो ये लोग मुंह दिखाने के लायक भी नहीं है। ऐसे में अब गुजरात की जनता तय करे, क्योंकि आज मतदान के बाद तमाम उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होंगी। 8 दिसंबर को काउंटिंग होगी और पता चल जाएगा कि
किसके किस्मत में क्या लिखा गया है, जनता ने किसे उस राज्य का दायित्व सौंपा है, कौन गुजरात मॉडल नए तरीके से तैयार करेगा, गुजरात का विकास गाथा लिखेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे।